हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि 10,000 का सामान सेल कर दिया और पैसे जो मिले वो 6,000 रुपये ही मिले, तो ऐसी स्थिति में ये एंट्री कैसे पास करी जाएगी, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वाउचर में और ये एंट्री पास करके देखते हैं। सीधा हमें कहाँ चलना होगा, सेल्स वाउचर में। चलते हैं फेड प्रेस करके सेल्स वाउचर में और यहाँ पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारी पार्टी जो है वो अलग से पार्टी बना लेते हैं। जैसे सौरभ कोई पार्टी है हमारी जो कि डेटर पार्टी है और इसीलिए पहचान के लिए यहाँ मैंने डी भी लिख दिया है ताकि ये पता चलता रहे कि ये कौन सी पार्टी है। और यहाँ सन्ड्री डेटर का ग्रुप चूज करेंगे तो यहाँ डेटर आएगा, तो सन्ड्री डेटर हो गया, एंटर करेंगे। देखिए ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको जो है एक्टिवेट रहना बहुत जरूरी है, ये मैंने कल वीडियो में बताया ही था, इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ। स्टेट चूज करना कंपलसरी है तो स्टेट वगैरह चूज कर लीजिएगा और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा और यहाँ पर भी डिस्पैच डिटेल में जो दिया गया है उन सबको भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराइएगा। क्योंकि ये है सेल्स, तो सेल्स में सेल्स अकाउंट ही आता है और यहाँ पर अब हम सेल करने वाले हैं। तो जैसे पल्स हमारे पास 77 किलो है और कौन से गोडाउन में है ये देखना पड़ेगा, तो ये मेन लोकेशन में है तो मेन लोकेशन में चल के और यहाँ से 55 किलो हम इसे बेच देंगे तो 124 रुपये किलो के भाव से ये बिकेगा, ये सेल करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक आइटम है वो हमारे पास है लाइक शुगर, तो शुगर ले लेते हैं तो यहाँ पे शुगर करेंगे तो ये शुगर जो है 110 किलो है तो ये है हमारा कौन से गोडाउन में, साकेत नगर गोडाउन में। तो 100 किलो हम चीनी बेचेंगे, क्वांटिटी है 100 किलो, ठीक है। और 100 किलो में यहाँ पे देख सकते हैं 48 रुपये का भाव लगा हुआ है, यहाँ पे हम 50 कर देते हैं, इसको चेंज भी किया जा सकता है तो ये 50 कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुल ये यहाँ पर एंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, ये देख सकते हैं ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब जब ये एक्सेप्ट करा लेंगे तो पेमेंट करने की बारी आएगी, तो अब पेमेंट प्राप्त करने की बारी आएगी तो यहाँ से रिसीप्ट वाउचर में हम पेमेंट प्राप्त करने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर जो लेजर इंसर्ट करना है सौरभ का तो यहाँ से कर लेंगे, तो ये सौरभ डी करके जो लेजर है वो इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 5,000 रुपये ही दिया या 6,000 रुपये ही दिया तो ये 6,000 कर दिया हमने। और यहाँ देखिए कर्सर अपने आप अगेंस्ट रेफरेंस पे आ जाता है, जितना देना है उतना दे दीजिए, अगर कैश में दे रहे हैं तो कैश कर दीजिए यहाँ, और ये कुल मिलाकर के बाकी के पैसे बाकी रहेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करा लीजिए इसे। तो देख सकते हैं ये काम हो गया, ठीक है, ये एंट्री पास हो गई, यानी आपने 6,000 रुपये रिसीव किए, बाकी के पैसे उनके बकाया रह गए तो बाद में दे सकते हैं। अगर डेट चेंज करके देना चाहें तो यहाँ F2 कर लीजिए, यहाँ पे 1/10/2023 को ये देंगे तो वो डेट चेंज कर लीजिए और वही डेट लगा दीजिए तो यहाँ सौरभ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, सौरभ डी का लेजर इंसर्ट करेंगे, यहाँ मान लीजिए फिर बाद में 5,000 रुपये दिए गए तो ये इस तरीके से अगेंस्ट रेफरेंस आ जाता है, एंटर करेंगे और कैश में ही दे रहे हैं तो ये एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये वो तरीका है जिससे आप इस तरह की एंट्रीज को पास कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात।